कोरबा के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से मरीजों को बेहतर सुविधा प्राप्त हो इसके लिए लगातार कोशिश की जा रही है। सरकार के स्तर पर यहां संसाधन देने के साथ सहूलियत बढ़ाई जा रही है। हाल ही में मेडिकल कॉलेज में 2 चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है। ज्वाइनिंग करने के साथ इनकी सेवाएं मरीजों के हित में प्रारंभ हो गई है। कोरबा के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को बहुउपयोगी बनाने के लिए कामकाज जारी है। मेडिकल कमीशन की टीम के दौरे और उसके द्वारा दिए जा रहे निर्देश के अंतर्गत यहां पर आवश्यक कार्यों को करने के साथ कमियां दूर की जा रही हैं। कई क्षेत्रों में इसके अंतर्गत मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने काम किया है, जिससे अगले सफर को पूरा किया जा सके। लगातार स्टाफ की बढ़ोतरी के बीच अब टीवी और त्वचा रोग से संबंधित 2 डॉक्टर की नियुक्ति मेडिकल कॉलेज में सरकार के द्वारा की गई है। यहाँ के डीन डॉक्टर अविनाश मेश्राम ने बताया कि दोनों क्लिनिक में ज्वाइन कर लिया गया है। ओपीडी स्तर पर इनकी सेवाएं मरीजों को प्राप्त होना शुरू हो गई है। एनएमसी के मापदंडों को पूर्ण करने के लिए डॉक्टर की आवश्यकता रहती है मेडिकल कॉलेज। इस तारतम्य में 2 डॉक्टर आए हैं, स्किन से आए हैं और एक अपने टीबीएमएस डिपार्टमेंट 2 डॉक्टर नियुक्त हुए हैं शासन की ओर से, जो जल्दी अपनी सेवाएं देने शुरू कर देंगे। पिछले वर्ष भारत सरकार के द्वारा कोरबा में शासकीय मेडिकल कॉलेज की मंजूरी दी गई थी और आनंद फानन में इसका भूमि पूजन किया गया था। तब से लगातार अगले कार्य को संपादित किया जा रहा है। मेडिकल कमीशन के अधिकारियों ने कई मौकों पर यहां का जायजा लिया और व्यवस्थाओं को देखा। पिछले दिनों मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने उम्मीद जताई थी कि MBBS की 100 सीटों पर प्रवेश देने की अनुमति मिल सकेगी। कुल मिलाकर मेडिकल कॉलेज का पूरा दारोमदार दिल्ली से मिलने वाली अनुमति पर ही टिका हुआ है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए पवन तिवारी की रिपोर्ट।